सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियां चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एक और टॉपिक के ऊपर में, और जैसे कि आप सब जानते हैं अक्सर हम बात करते रहते हैं स्पिरिचुअलिटी के संबंध में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अपने एक यूजर्स के सवाल के ऊपर। उन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर अल्कोहल की वजह से किसी व्यक्ति की या किसी शख्स की मौत होती है तो क्या वो प्री डेस्टिनेटेड रहती है, यानी कि प्री डिसाइडेड रहती है। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि मेरा इस पर क्या सोच रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करूंगा और आपको कुछ ना कुछ इंसाइट ज़रूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, होता कुछ इस तरह से है। देखिए, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे करते रहते हैं जो अगर अधिक मात्रा में होता है तो उससे हमारे शरीर को कह लो या हमारे आसपास के समाज को दिक्कत होती है। अगर आप उस चीज़ का बैलेंस बना कर चलेंगे तो हमारा पूरा जीवन सही चलता है। अब आप इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आज आपके घर में कोई अच्छा एक खाना बना है और आपको बहुत टेस्टी लगा और उस खाने को आप खाते ही गए क्या होगा अगले दिन कि आपका पेट खराब होगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपने ऐसा कुछ किया कि जिससे कि आपके शरीर को थोड़ी कष्टता हुई और थोड़ा उसमें बीमारी के लक्षण जो है वो पैदा हो गए, यानी कि आपको एक सफरिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन उसमें आपके इंटेंशन क्या थे कि आपको एक खाना अच्छा लग रहा है तो उसकी वजह से आपने उसकी ओवरडोज ले ली या उसको ज़्यादा खा लिया। लेकिन इसमें कहीं भी आपके इंटेंशन तो ये नहीं थे कि मैं बीमार हो जाऊं या इस तरह से मेरे को कोई कष्ट हो, बस आप एक एंजॉय करने के माध्यम से उसको ज़्यादा खाने के माध्यम से उसको खा रहे थे। इसी तरह जब कोई व्यक्ति अल्कोहल लेता रहता है तो उससे क्या होता है कि वो बेसिकली उसका यूज टू तो हो जाता है, लेकिन अगर उसको अधिक मात्रा में लेना स्टार्ट कर देता है तो इनडायरेक्टली वो अपने शरीर को हार्म तो पहुँचा ही रहा है, लेकिन स्टिल उनके ऐसे मेरे हिसाब से ऐसे इंटेंशन नहीं रहते हैं कि वो अपने आप को शरीर को नष्ट कर ले। अगर इससे परे मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल सिर्फ इसलिए ले रहा है कि अगर अल्कोहल की वजह से उसकी डेथ हो जाए, उसका ये शरीर नष्ट हो जाए, या उसके इंटेंशन यहाँ पे जीने के नहीं है, कैसे करके अपने शरीर को नष्ट करना चाहता है, या इन अल्कोहल की वजह से जो दर्दनाक मौत होगी जिससे हमें डर लगता है उससे छुटकारा मिल जाए, अगर ऐसे कोई इंटेंशन है तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हैं। ये सीम्स लाइक सुसाइड और ये इतनी ही बड़ी बात है जितने हम एक सुसाइड के माध्यम से करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इन सारी चीज़ों में इंटेंशन ज़्यादा मैटर करते हैं। अब रही बात, देखिए आप पॉइजन, यानी कि जब पॉइजन से मरते हैं वो भी एक जहर के समान है, और जब पॉइजन से मरते हैं तो क्योंकि आपके इंटेंशन रहते हैं कि मुझे अपने शरीर को खराब करना है, नष्ट करना है, तो भी एक सुसाइड का माध्यम है। इसी तरह जब हम शराब को पीते हैं और हमारे इंटेंशन है सिर्फ और सिर्फ उसको एंजॉय करने के, अगर उससे धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स भी खराब हो रहे हैं तो इट सीम्स लाइक ये नेचुरली होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पहले से डिसाइडेड था कि आपके शराब से ही होगा, क्योंकि आपके साथ में एक अवचेतन मन के साथ साथ में एक भौतिक मन भी दिया गया जिसके माध्यम से आप सोच विचार कर सकते हो कि कौन सी चीज़ मेरे लिए कितनी इफेक्टिव होगी, कितनी बुरी होगी। क्योंकि जब भी हम शराब पीते हैं सडन से शराब पीने से डेथ नहीं होती, इसको यूज टू मिलाने से, इसके ओवरडोज लेने से, और कई बार शराब भी आपको चताती है कि अब ज़्यादा हो रहा है, आपकी बॉडी भी कई बार आपको बताती है। जिन लोगों की भी अल्कोहल, ड्रग्स या इसी तरह के दूसरे पदार्थों से डेथ होती है, ये 100% श्योर है कि उनकी ये पहले से लिखित नहीं होती है कि उनकी मौत इस तरह से होगी, लेकिन वही है कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए उसी में फंसते चले जाते हैं और उसी के कारण उनकी डेथ होती है। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें लिख भेजिएगा हमारे व्हाट्सअप नंबर 7895591900 पर, और आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी लिख सकते हैं।